इसलिए कह रहा हूं सिलेक्टेड स्टूडेंटों को कि उन्होंने मेहनत की और उन्होंने पोस्ट भेजी। मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं मैं लोगों का। पहला सिलेक्टेड स्टूडेंट को कि आपको जैसे सभी सीनियर्स ने बताया कि अपनी जिंदगी में ऑफिसर बनने की बजाय एक अच्छा इंसान बनना और अच्छा इंसान बनना तो रास्ता भी लोगों के लिए आपका इतने लाभ हो रहा। अच्छा इंसान यदि बनोगे तो आपको रोज पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ क्लास में, दो टाइप के लोग हैं, बुरे काम करते हैं पूजा करने ज्यादा। एक वो जो अपनी जिंदगी में सभी किसी का बुरा नहीं करते और ईमानदारी से जो उनका धर्म है जो उनका काम है वो कंप्लीट करते हैं। आगे वही निकलता है जो ईमानदारी से अपना काम करता है और कभी किसी का बुरा नहीं करता। अपना जो काम है ईमानदारी के साथ करो और किसी का बुरा नहीं, एक अच्छा इंसान बनो। दूसरा है जो अभी प्यारे कर रहे हैं, कुछ लोगों को प्री किया है, प्री देने के बाद कुछ ऐसा मुझे सीरीज लिखने में सर्जरी कर रहा हूं क्लियर होगी या नहीं होगी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यदि आप कट ऑफ के इंतजार में बैठे हैं तो अगले तीन साल में क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2010 से लेकर आज तक जो हमारे साथ वाले हैं, आज जो मेंस दे रहे हैं, प्री दे रहे हैं और आज तक उनका कोई कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए। जैसे हम सुनते हैं कि वो पक्षियों के राजस्थान में आता है, कुछ दिन सर्दियों सर्दियों में रहता है, कभी कभी वो उधर वापिस चला जाता है। ऐसे पक्षी भी आप बने कि एस एस सी का जब एग्जाम आता तो आप एस एस सी की तैयारी में लग जाते हैं और एस एस सी का एग्जाम जैसे ही निकला आप वहां या फिर बस्ती में घर में नहीं। अभी मैंने कल परसों अपना मैथ्स का बैच था तो शाम को कुछ लोग रिफंड ले गए तो मैंने पूछा क्या बात है, बोला सर मेरे टी में 122 के जी नंबर आ रहे हैं और आज मैंने देखा 5,350 राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई है वो उसकी चाहिए। मैंने सबसे पहले साइन किया, मैं कुछ सबसे पहले ले लिया। पर हाँ एक बात याद रख, राजस्थान पुलिस की कम से कम 2 साल चाहिए लेना या वेट के वहां कैरी करें। ऐसा नहीं राजस्थान पुलिस की वैकेंसी नहीं है जो 3 महीने बाद तुम सोचता है कि मैं वैसे इसकी तैयारी कर रहा। दोस्तों ये यदि आप करोगे तो कोई तैयारी नहीं होगी आपकी, आप दरबार में पैसे बर्बाद कर रहे हो और उससे बड़ी बात है कि मैं टाइम बर्बाद कर रहे हो। व्यक्ति को मौका एक बार मिलता है सिलेक्शन करने के लिए, वो यदि आपने खो दिया तो हो सकता है अगले चांस में नहीं आए। इसलिए जिन्होंने भी पी दिया है कम स्कोर है उनके लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। जो स्टूडेंट एनसी तैयारी नहीं कर रहे हैं यदि लग रहा है कि क्वालिफाइड नहीं होगा या कम मार्क्स हैं, अपने जो साथी एनसी तैयारी कर रहे हैं उनसे स्टेबिलिटी ले और अगले 10 महीने या 11 महीने बाद 2018 का पी हो उससे पहले स्टेबिलिटी 5 बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो अगली बार ये सोचे कि मेरा इस बार मैथ्स या प्री क्लियर होगा या नहीं। जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ उनका यही कारण है कि उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी 12 महीने 13 महीने 15 महीने। हाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन होता है नहीं होता मुझे भी पता नहीं दिया, बैंक में सिलेक्शन होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, बट एसएससी में भी जिस महीने जिस भाई ने ईमानदारी से अपना 100% दिया है उसका विद इन 12 या 15 महीने सिलेक्शन हो जाता है। वो अलग ही प्रोसेस है, 8-9 महीने की पी हो रही है, बैंक हो गए फिर उसके बाद पीएचडी हो रहा है, ये सारी चीजें। इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जिनका भी प्री क्वालिफाइड नहीं होना लग रहा है कि कम मार्क्स है या क्वालिफाइड हो रहा है तो फिर भी 100 मार्क्स कि प्री क्वालिफाई हो गया तो मैंने सिलेक्ट नहीं लेना। नहीं, एक ही चीज का ध्यान रखो, अभी अपना इंग्लिश और मैथ्स का स्टेटमेंट जो मैथ्स में मिल रहा है स्टूडेंट्स को वो किसी भी स्टूडेंट से लो और उसको 5 बार करनी 2018 की प्री होने से पहले। ये मेरी गारंटी है कि 100% आपका सिलेक्शन होगा। कि हम लोग क्लास में भी बता रहा था
स्टूडेंट्स को भी मैंने बैचलर भी बताया है कि हम लोग भाग रहे हैं तैयारी के पीछे कि मेरा एक कोर्स सिलेक्शन हो गया है क्या टाइम में दरवाजों को ये कहा था कि तेरे 60% आने चाहिए या 80% आने चाहिए 90% आने चाहिए नहीं ना हम तैयारी के लिए अच्छे स्टूडेंट हैं उनको कहा जाता है उनको मेरिट लानी तो थोड़े से अच्छे हो उनको कहा जाता है कि आपको फर्स्ट डिवीजन लानी है तो सेम उसी तरीके से अपने आप की ताकत क्यों बढ़ा रहे हैं मुझे तो ओडीटी मिल जाए तो मेरी जिंदगी कट जाए ओडीटी मिल गया उसके बाद आपको यदि सिलेक्शन नहीं होता उससे भी बुरी हालत हो जाएगी कि जाने कहीं और गुजर गया रास्ता से बाहर इसलिए सिलेक्शन लेना ही जिंदगी जीना नहीं है सिलेक्शन होना चाहिए आपका अपनी इच्छा से जो पोस्ट है प्लस उसी स्टेट में जहां आप रहते हैं तब तो जिंदगी का मजा है वरना आपके घर वाले माँ बाप को यहाँ रहेंगे और आप वहां कहीं चले या कहीं हो तो उस नौकरी का क्या होगा आप जिंदगी काट रहे हो घर वाले भी जिंदगी काट रहे हैं इसलिए मेरा एक ही बात कहना है कि सिलेक्शन के लिए तैयारी नहीं करें आपसे आपके माइंड का सेट जो है वो चेंज होना चाहिए कि मुझे जो तैयारी करनी है वो रैंक के लिए करें रैंक यदि आएगी तो आप रैंक 200 लाओ 200 में यदि रैंक करने का आपको जो कोर्स चाहिए वो मिलेगी और जहां आपको चाहिए वो मिलेगी इसलिए सिलेक्शन के पीछे नहीं रहो रैंक के लिए तैयारी करो वरना जैसे ही इस रैंक में ये जाएंगे ज्वाइन करेंगे 6 महीने बाद उनको लगेगा मुझे दोबारा तैयारी करनी चाहिए राजस्थान चलने के लिए यानी वापिस वही प्री वही मैच वापिस वही उससे अच्छा है कि आप अपना जो आज थी